हेलो गाइस, वेलकम टू संजीवा व्लॉग। आई होप सब बढ़िया है और मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। सो गाइस, आप लोग को स्वागत है आज के मेरे एक नए व्लॉग में। आई होप आज के मेरे व्लॉग को आप लोग को पसंद आएगा। सो अभी मैं आज के इस व्लॉग को इस टाइम में स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम हो रहा है शाम 7 o'clock होने वाला है, शायद 6:40 ऐसा हुआ है अभी। सो मैं इस टाइम में अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ दुकान में। थोड़ा सा मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना है, जो मेरा फ्रूट्स वगैरह है वो ख़त्म हो चुका है और मुझे कुछ कुछ खाने का मन कर रहा है। सो मैं वो लेने जा रही हूँ। बाहर में तो अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है तो सही से नहीं दिखाई देगा। सो साइड में बाहर में अच्छे से शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं हाँ जाती हूँ और फटाफट से लेके आती हूँ। मैं निकाल तो गई हूँ अभी घर से बाहर, आप देख सकते अंधेरा है, अंधेरा हो गया। इधर तो बच्चा लोग खेल रहे हैं इसलिए हल्ला है, बाकी बाहर में तो पूरा अंधेरा हो गया है। मैं अभी वापस आ गई हूँ तो मैंने वहाँ पे तो शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरा हो गए थे, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो मैं फटाफट लेके आ गई हूँ, बस मुझे सिर्फ फ्रूट चाहिए थे तो मैंने लेके आ गई ये सारे। तो ये और अंधेरा भी था तो इसलिए मैंने नहीं किया है। और ये सारे मैं धनिया और ये कुकुम्बर लेके आए क्योंकि मैं ये खाती हूँ आजकल, रोज़ खाती हूँ। वैसे मैं पहले से खाती हूँ ये, तो अभी और भी ज़्यादा खाती हूँ आजकल। सही है, तो मैं इसमें पूरा भर के रखती हूँ। अभी इसमें सिर्फ दो अनार है और मैं आजकल अनार भी रोज़ खाती हूँ और साथ ही साथ बाकी फ्रूट्स भी। मैं जैसे मुझे बीच में भूख लगता है क्योंकि मैं जैसे अभी दिन में लंच का टाइम में लंच खाती हूँ, उसके बाद मैं बाकी कुछ नहीं खाता है, लेकिन जब बीच में मुझे भूख लगता है तो मैं इन सारी चीज़ को खाती हूँ। और स्पेशली मैं मॉर्निंग में खाती हूँ ये एप्पल अनार, क्योंकि अनार तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप जैसे भी अनार खाओ बोल के, तो मैं इसलिए खाती हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट आजकल ये है, तो मैं ब्रेकफास्ट में यही खाती हूँ। ये खाने के बाद तो ऑलरेडी मेरा पेट फुल हो ही जाता है। सो ये है तो मैं अभी इसको अरेंज करके रख देती हूँ। ये मैंने पूरा टोकरी भर दिया क्योंकि बार बार जाने के लिए सुस्ती लगता है, तो ये अभी मेरा चल जाएगा 5-6 दिन। तो ये आप देख सकते हैं ये हो गया है मेरा। बाकी अभी मैं थोड़ा पानी सानी पीती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा थोड़ा चलने से थोड़ा ज़्यादा थकान लगता है। तो मैं अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा देर में बनाऊँगी डिनर। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ डिनर। तो डिनर में मैंने ये मशरूम लिया है, आजकल मैं बहुत मशरूम खा रही हूँ, कंटिन्यू 4 दिन से मशरूम खा रही हूँ, तो आज फिर से मैं बना रही हूँ मशरूम। तो ये है और एक पैकेज पड़ा हुआ है, तो दो मंगवाए थे तो वो कल खाएंगे। तो मतलब जो चीज़ पसंद आ रहा है बस वही मैं कंटिन्यू खा रही हूँ। तो आज ये खाएंगे और कल फिर दूसरे वाले खाएंगे क्योंकि वो बनाने के बाद थोड़ा सा ही हो जाता है, तो फ्रेश फ्रेश बना के खाने से ठीक है। इसलिए अभी एक ही पैकेज बनाऊँगी और दूसरा कल बनाऊँगी। तो हाँ, मैं अभी ये बना रही हूँ और अभी मैं फ़िलहाल चाय बना रही हूँ क्योंकि पंकज को पीना है चाय, सो मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ। और मैं अभी इसको थोड़ा देर पानी में भिगो के रखती हूँ, थोड़ा नमक डाल के, ताकि इसका जो गंदगी है वो थोड़ा निकल जाए। ये लो, चाय बनके तैयार। राज, ये आपका चाय रेडी। ये पूरा पढ़ाई में बिजी है। और बताओ क्या चल रहा है पढ़ाई में, क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो मुझे बताइए। समझ नहीं आया, हिस्ट्री हिस्ट्री सिकंदर लोदी ने बना दिया वो तो मुझे पता है। कुतुब मीनार नहीं, कुतुब मीनार तो किसी और ने बनाया, पढ़ना है ना इब्राहिम लोदी। सबसे बोरिंग काम है मेरे लिए। पूरा दिन भर पढ़ाई है आपका तो। सही बात है, वही तो ना। अच्छा है, चलो पर पढ़ाई करके कुछ बन जाएगा तो अच्छी बात है ना। मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये पूरा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। इब्राहिम लोदी 1570 बैटल ऑफ कटौली, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये सब पढ़ना है, ये सब ने बैटल कर दिया और हमें भी पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा है ना जानकारी, ये सब आपका एग्जाम में आएगा। पता तो, नहीं आएगा। पढ़ाई तो करना पड़ेगा फिर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पता होते कि ये आएगा तो
ऑफ कोर्स वही पढ़ाई करके जाते हैं। बिल्कुल लीक वाला पेपर दे दे। चलो ये मैंने आपके लिए चाय ला दिया, आप चाय पी लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए। ओके ओके। नींद आ रहा होगा आपको पढ़ाई करते करते, तब तक मैं डिनर बनाती हूँ, ठीक है? मैंने इसको चाय बना के दे दिया है, सो मैं अभी बनाती हूँ डिनर। और मेरा डिनर तो फटाफट से बन जाएगा क्योंकि मशरूम बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये मैंने मशरूम को धो दिया है, ये मैंने थोड़ा देर इसको भिगो के रख दिया था और ये मैंने अच्छा से धो दिया। अब मैं इसको कट करती हूँ। सारे मसाला डाल दिया है, सारे मीन्स जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक ये डाल दिया है और अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल दिया मैंने। और अब मैं डालूँगी ये टमाटर, ये दोनों को डाल दिया। इसमें डालेंगे नमक ताकि ये फटाफट से गल जाए। अब हम इसको अच्छे से ढक के पकाएंगे, जब तक टमाटर गल नहीं जाता। उसके बाद ही हम डालेंगे हमारा मशरूम। लो मैंने ढक दिया, आपका ये टमाटर गल गया है तो अब मैं ढालूंगी मशरूम। अब हम मशरूम को पकाएंगे अच्छे से। अभी ये मशरूम से बहुत सारा पानी भी निकलेगा और हम इसको फिर से ढक के पका ले रहेंगे। अब हम देखते हैं, देखा मैंने बोला था ना इससे इतना पानी निकलेगा, तो आप देख सकते हैं बहुत पानी निकला है और ये पूरा थोड़ा सा बन गया और अभी वो थोड़ा सा बनेगा, ये सूखेगा और भी ज़्यादा सूखेगा। लेकिन इसको, इसका पानी को पूरा सुखाना है तो ये पूरा सुखाऊंगी। अभी ये सब्जी पकने तक तो मैंने इस टाइम धनिया लेके आई थी, तो मैं ये धनिया को साफ करूँगी, इसको पूरा इसको क्लीन करके रखूँगी। तो ये मेरा सब्जी पक गया है। ये मैंने पूरा इसका पानी सुखा दिया था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, अगर थोड़ा सा हल्का ग्रेवी के लिए। तो आज मुझे कुछ इस तरह से खाने का नहीं कर रहा है, तो ये हो गया है। अब मैं इसको उतार लूँगी। तो इससे पहले मैंने ये धनिया धो के रखा है, तो मैं इसको इसमें दे देती हूँ। सो इसका हो गया है डिनर, इस पर भी गैस ऑफ कर दिया और इसको फटाफट से ढक के रख दिया। मैंने साइड में ये चावल भी बिठा दिया है, तो अब ये पकते रहेगा। और धनिया मैंने अभी तक साफ़ नहीं किया है, तो अभी करूँगी। तो मैं, आप देख सकते हैं मैंने ये क्या किया, मैंने ये सारा वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे ये सब काम करने का मन आ रहा है और ये सारे धोने धो के रखने का मन कर रहा है। तो मैं अभी ये फटाफट से करती हूँ। पहले तो मैं धनिया साफ़ करूँगी, उसके बाद ये करती हूँ। इसको थोड़ा सा पानी में भिगा के रख रही हूँ तो और ये भी मैंने पूरा सारे साफ़ कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी पता नहीं अचानक से मेरे को क्या हुआ, मुझे ये सारे करने हैं अभी, तो मैंने ये फटाफट से कर दिया। तो ये मैंने भिगा के रख दिया है, तो मैं करती हूँ अभी। चावल भी बिठा दिया, तब तक पक जाएगा, तब तक मैं कर लूँगी सारे सब कुछ काम। हमारा डिनर विनर पूरा मैंने पका दिया है, अभी हम लोग खाने वाले हैं। और मैंने पूरा टेबल पे लेके आके रेडी भी कर दिया है, सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आज का हमारा डिनर। सो ये है मशरूम जो मैंने बनाई थी, और ये चिकन है जो दिन का था, तो मैंने उसको थोड़ा सा टमाटर डाल के मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया। और ये आलू का चटनी, और ये दिन का सब्जी है।
ये चावल और ये मेरे लिए। सो हाँ गाइस, ये है आज का हमारा डिनर। सो हम लोग अभी डिनर करते हैं और साथ ही साथ आज के इस वीडियो को भी आपने लाइट ऑफ कर दिया ना आज मुझे अंधेरा कहाँ से हो गया। तो आज की इस वीडियो को भी इतना मैं एंड करती हूँ। आई होप आज की मेरी वीडियो को आप लोग को पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी हम लोग खाते हैं डिनर। सो बाय बाय।